आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि लेट द सॉल्यूशन कर्व वाई इक्वल टू अपने के पास वाई ऑफ एक्स दे रखा है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। पासिस थ्रू द पॉइंट 0, π/2 देन द लिमिट दिस इज इक्वल टू। यहाँ पर देखिए अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन का भी अपने के पास यूज किया गया और अपने के पास लिमिट का भी। जब डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया गया तो इंटीग्रेशन का भी यूज होगा, यानी अपने के पास इसमें तीन चार चैप्टर अपने के पास मिक्स कर दिए गए। यहाँ पे अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, 1 e^2x और इनटू में अपने के पास क्या दे रखा है, यहाँ से आगे अपने के पास dy/dx और प्लस टाइम्स वाई के बराबर इक्वल टू अपने के पास 1 के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आगे अपने के पास dy/, इसको अपने के पास थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ये आगे अपने के पास बराबर dy/dx और प्लस टाइम्स वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 1/(1+e^2x) आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगर जिसको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है, क्या है अपने के पास, जिसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रहा है तो इसको अपने के पास जा करके अपनी बहस कराए। जिसको नहीं दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसको दिख रहा है अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो हम अभी भी बोल रहे हैं जा करके अपनी बहस चराए। तो यहाँ से अपने के पास किसको आ जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, इसको अपने के पास यहाँ से बजाय इसको ऊपर सॉल्व करो, बताओ यहाँ से अपने के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ अपने के पास किस पर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन PdX, P की जगह अपने के पास 1 है, तो यहाँ से आगे अपने के पास सिर्फ और सिर्फ dx के बराबर, लेकिन e^2 तो यहाँ से आगे अपने के पास e^x के बराबर। ये आगे अपने के पास क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ आ गया अपने के पास e^x के बराबर। जब if आ गया तो अपने के पास इनके सोल्यूशन बताएं, ये जो सोल्यूशन हो जाएंगे वो अपने के पास किस पर आ जाएंगे, तो सोल्यूशन आ गया अपने के पास y into if और इक्वल टू अपने किस पर आ जाएंगे, तो y into if हम लिख ही देते हैं यार, अपने के इतना तो आता होगा यार। ये आ गया e^x के बराबर इक्वल टू इंटीग्रेशन e^x और इंटू q के बराबर, q अपने के पास क्या दे रखा है, तो 1 e^2x और ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। अब अपने के पास क्या आ गया, y into e^x के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो नीचे वाले को t मानते हैं, इसको अपने के पास t मानते हैं, नहीं t नहीं, यहाँ से अपने के पास तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एक लाइन हम और लिख देते हैं, एक लाइन अपने के पास क्या, तो इंटीग्रेशन e^x और अपॉन में किसको आ जाएंगे, तो 1 e^x और इन पूरे का होल स्क्वायर और ये रहा dx के बराबर। जिसको ये दिख रहा है कि अपने के पास y into e^x और ये अपने के पास किस बार दिख रहा है, तो ये अपने के पास tan inverse e^x के बराबर है और प्लस टाइम से c के बराबर। अगर जिसको दिख रहा है अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी इंटीग्रेशन रिवाइज कर लीजिए, काम हो जाएगा। e^x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो dt ऊपर लिखा हुआ, तो अपने के पास क्या जाएंगे, dt/1+t² के बराबर, यानी ये tan inverse t के बराबर हो जाएगा। t का वैल्यू e^x माने तो ये अपने के पास इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना वो अपने के पास कहाँ से हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है अपने के पास x=0, π/2 से पास हो रहा है, इसको पास करा दीजिए। जैसे अपने के पास 0 पुट कर दीजिए, यहाँ से अपने के पास y π/2 × 1 इक्वल टू आगे अपने के पास tan inverse किसके बराबर जाएंगे, तो e^x यानी e^0 यानी आगे अपने के पास किसके बराबर 5/4 के बराबर प्लस टाइम c के बराबर। जैसे e^x 0 tan inverse 1 अपने के पास किसके बराबर जाएंगे 5/4 के बराबर, c इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो 5/4 के बराबर, यानी यहाँ से अपने के पास c किसके बराबर हो गया 5/4। जब c इक्वल टू 5/4 हो गया तो यानी अपने के पास कर्व का इक्वेशन किसके बराबर जाएंगे, y into e^x इक्वल टू आगे अपने के पास बराबर, तो tan inverse e^x और यहाँ से अपने के पास प्लस टाइम c e^x और यहाँ से आगे अपने के पास प्लस टाइम c, c की जगह अपने के पास 5/4 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, y अपने के पास y को अकेला कर लीजिए, y को जैसे आप अकेला करेंगे तो ये आगे अपने के पास tan inverse e^x के बराबर और प्लस टाइम c यहाँ से अपने के पास आ गया 5/4 के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपने के पास e^x के बराबर, यानी ये अपने के पास फंक्शन आ गया y के बराबर, ठीक है। लेकिन आपने क्या क्वेश्चन में देखो क्या देखा, क्वेश्चन में देखा है कि लिमिट e^x into y x इसका अपने के पास लिमिट बताने, चलिए अपने के पास लिमिट बताने स्टार्ट करें। तो यहाँ से अपने के पास लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, तो अपने के पास इन्फिनिटी e^x into अपने के पास y की जगह अपने के पास क्या है, तो tan inverse e^x और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 5/4 के बराबर और होल अपॉन में e^x के बराबर। एक चीज आप याद रखिए कि अभी अपने के पास जो भी थोड़े बहुत लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, जो भी चैप्टर है उसके बेसिक पता होना चाहिए। तो ये देखिए इसमें अपने के पास बेसिक ही लग रहा है, ऐसा नहीं कि अपने के पास कोई हाई फाई रूल लग रहा है। तो यहाँ से अपने के पास ये लिमिट का, ठीक है, तो एक चैप्टर अपने के पास अच्छा खासा रूल लगेगा, लेकिन अपने के पास दूसरा चैप्टर तो ऐसे ही लल्लू सा हो जाएगा। अब अपने के पास देखिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा है, जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में बन ही नहीं रहा है तो यहाँ से e^ इन्फिनिटी tan inverse e^ इन्फिनिटी tan inverse इन्फिनिटी
किसके बराबर, तो पाई बाई फोर नहीं बल्कि पाई बाई टू के बराबर, और प्लस टाइम सी किसके बराबर पाई बाई फोर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपके पास तो इधर सॉल्व कर लेते, तो एलसीएम आ गया अपने पास फोर के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास टू पाई और प्लस टाइम्स पाई के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास किसके बराबर थ्री पाई बाई फोर के बराबर। ये अपने पास क्या जाएंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर अपने कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आई आई टी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन से लिमिट अपने पास देकर घबराने नहीं, जिसका लिमिट अपने पास खराब है उस क्वेश्चन को वो लोग यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, लिमिट का बेसिक लग रहा है यार, लिमिट का अपने पास लगा क्या, यहाँ पे अपने पास लिमिट आकर के सॉल्व है। लिमिट के कुछ लगे हैं ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म बने जो सात इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर अपने पास जीरो अपॉन जीरो बन जाते तो ये तो ऐसे ही निपट जाता। तो इस बात सब का ख्याल रखिएगा, बेसिक बेसिक अपने पास लिमिट लगते हैं कभी कभी, अगर दो तीन चैप्टर का अपने पास यूज आ जाएंगे तो किसी चैप्टर का अपने पास बेसिक चीज लगेगा जो कि आपको पता होना चाहिए। इससे अपने पास क्या पता चल रहा है कि बेसिक हर एक चैप्टर का पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बेसिक के कारण आपको टफ पार्ट आ रहा है। इसमें अपने पास टफ पार्ट क्या है, ये अपने पास पूरा टफ पार्ट है, ये अपने पास टफ पार्ट क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही टफ पार्ट है, लिमिट अपने पास ये टफ पार्ट है, लिमिट अपने पास टफ पार्ट नहीं है। इस बात का ख्याल रखिए, बेसिक बेसिक चीज आपको आनी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में, तो ये थे अपने पास जेई मेंस के 20 इधर भाग गया, ये मीन्स के 29 जुलाई 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन नहीं मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टेप पे स्टेल दी एंड गुड बाय।